वेलकम टू SPS स्मार्ट डिजिटल। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, अब सेकंड चैप्टर में है यहाँ पे ग्रेविटेशन। और एक्चुअली ग्रेविटेशन के साथ साथ में यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है बेटा, इसी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लें। और सभी को पता ही है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा। जब दो मास होते हैं, सभी को पता है इसके बारे में भी, एक मास M1 है बेटा, एक मास M2 है, दोनों मास के बीच का सेपरेशन अगर R है तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज M1 M2 होता है, एंड फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². जब दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, तो यहाँ पे F=2 प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है कैपिटल जी, तो जी M1 M2/r² होता है बेटा। जो कैपिटल जी होती है उसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है बेटा। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। जी की वैल्यू जो होता है बेटा, कहीं पर भी यूनिवर्स में आप चले जाएँ, चेंज नहीं करता बेटा, एक कॉन्स्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेज। ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है बेटा, दो मासेज जो होते हैं उसके जो लाइंस होते हैं उसके बीच में लगता है बेटा। द वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉल, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, भी इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं। तो ये कुछ बेटा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रिगार्डिंग में था। इसके बाद है कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है बेटा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज नोन एज अ मास। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी है, जो बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। एंड व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, वेट क्या कहलाता है। तो वेट होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो है बेटा, अर्थ अपने सेंटर के टुवर्ड्स में किसी भी मास को, अर्थ अपने सेंटर के टुवर्ड्स में जी एक्सेलरेशन से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बेटा, ये क्या देता है आपको, वेट देता है बेटा। ठीक है, मास इज ए क्वांटिटी मेजर ऑफ द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया है। मास इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड डज नॉट चेंज एट एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वेट इन कंट्रास्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जो अर्थ है बेटा, अर्थ जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है बेटा, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, कैन एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज एबव द अर्थ सर्फेस और वॉट एवर इज द इट इज लोकेटेड नियर अनदर बॉडी एज सच द मून। सो बेटा, वेट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू M × g होता है, एंड g जो होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू gm/ कितना होता है, r² होता है। जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेटा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अ स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r होता है बेटा। g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मून पे जो होता है बेटा एक्सेल, देखो वेरिएशन होता है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन होता है बेटा। अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर आप जाएंगे बेटा, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब पर भी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। मतलब अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा इसकी, और जी की वैल्यू 9.8 m/s² होता है। एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए यूनिट इसका m/s² होता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है बेटा। अर्थ के इन साइड में भी जाओगे तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। सो मैक्सिमम जो होता है बेटा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो अर्थ के सरफेस पे होता है। मून पे जो होता है बेटा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पे जो होता है बेटा उसका 1/6 होता है, क्योंकि रेडियस और मास उसका अलग होता है बेटा। इनर्शिया एंड इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है बेटा। इनर्शियल मास होता है, जैसे हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लगाते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ लगाते थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। यहाँ से जो एक्सेलेरेशन निकलता है बेटा, दिस एक्सेलेरेशन इज नोन एज, यहाँ से जो मास निकलता है, अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया उसमें मास एम था और एक्सेलेरेशन ए हो गया, तो मास इज इक्वल टू F/a होगा बेटा। ये जो मास निकलेगा, दिस मास इज नोन एज इनर्शियल मास, इसको हम इनर्शियल मास कहते हैं। ठीक है,
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, ग्रेविटेशनल मास होता है बेटा कि एक हो गया अर्थ. ठीक है, एक हो गया अर्थ, मान लीजिए इसका मास है एम, रेडियस है इसका आर, और दूसरा मास यहाँ पे है बेटा. ठीक है, इसके सरफेस पे है एक स्मॉल मास है एम. तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? सो दिस इज एफ स्क्वायर टू जी, दिस इज एम एम अपॉन कितना, दिस इज आर स्क्वायर. अब यहाँ से जो मास निकलेगा बेटा, यहाँ से जो मास निकलेगा, दिस इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल मास. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास, इज कॉल्ड दिस इज एफ आर अपॉन जी इंटू एम. दिस मास इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल मास, इसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, सो जी इज कॉल्ड होता है बेटा जी एम अपॉन आर स्क्वायर. हमने अभी बताया आपको कि स्मॉल जी जो होता है बेटा अर्थ के सर्फेस पे, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है. एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. जी को बेटा हम ऐसे भी जी को हम डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसे वो अर्थ है बेटा, ये जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना हो गया आर, मास कितना हो गया एम. तो इसका स्फेयर है बेटा, हम अर्थ को क्या मानते हैं, स्फेयर मानते हैं. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका टू जैसे इसका टू 4/3 पाई आर कितना क्यूब. डेंसिटी इसका टू कितना होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इसका टू कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो उसके टर्म में बेटा अगर मास को लिखना चाहो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम इसका टू 4/3 पाई आर, पाई आर क्यूब हो जाएगा. लेकिन नीचे बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, तो आर आर कटेगा तो आर बच जाएगा. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम ये भी लिख सकते हैं 4/3 पाई जी आर इंटू रो. अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीज़ है बेटा. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलेरेशन है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है बेटा वो आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आता है. जो स्मॉल जी होता है बेटा उसकी वैल्यू अर्थ के सर्फेस पर 9.84 होता है बेटा, और अर्थ के सर्फेस से ऊपर चले जाएंगे, अर्थ के सर्फेस के इनसाइड चले जाएंगे, वैल्यू जो है बेटा डिक्रीज करेगा. लेकिन कैपिटल जी जो होता है बेटा अर्थ के सर्फेस पर कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं पे भी लेके चले जाए, पूरे यूनिवर्स में भी बेटा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. जी जो होता है बेटा उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जो कैपिटल जी होता है बेटा उसकी वैल्यू इतनी होती है. ठीक है, इसके बाद आ गया एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बेटा, अर्थ के सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से फेंक रहे हैं, और बेटा वो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो बेटा एस्केप वेलोसिटी जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है बेटा वी इसका √2gr होता है बेटा. और अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है. मतलब अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंक दिया जाए बेटा, थ्रो कर दिया जाए, तो वो फिर दोबारा वापस अर्थ के सरफेस में, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा उसमें वापस वो नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एस्केप स्पीड के बाद में कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, कैप्लर्स लॉ जो होता है, कैप्लर्स के तीन लॉ होते हैं. ठीक है, कैप्लर्स के तीन लॉ हैं, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड एंड लॉ ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, तो लॉ सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है बेटा, कि जितने भी प्लैनेट होते हैं सभी इलिप्टिकल पाथ में बेटा, सभी इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं बेटा. इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है, दूसरा जो हो गया बेटा, सेकेंड जो होता है, दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया ये कहता है बेटा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है. कोई भी अगर प्लैनेट है बेटा सन के चारों तरफ अगर जब चक्कर लगा रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है बेटा. दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ एरिया. तीसरा होता है बेटा लॉ ऑफ पीरियड. लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है बेटा कि जब टाइम पीरियड होता है किसी प्लैनेट का, जो चक्कर लगाने का एक रोटेशन पूरा करने का जो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के बराबर होता है. आर क्या होता है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस हम बोल सकते हैं, या उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट बोल सकते हैं बेटा. मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है. ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट के बारे में बात किया है. हम सभी जानते हैं बेटा मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लॉन्च करते हैं बेटा, और हम प्लेस्ड करवाते हैं, जिससे हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते हैं.
तो सैटेलाइट जो होता है बेटा उसमें क्या क्या एनर्जी होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो सैटेलाइट प्लेस्ड करवाते हैं बेटा, तो उसकी अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, सो दिस इज कॉल्ड रूट अंडर GR होता है बेटा। जो सैटेलाइट होती है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है बेटा रूट अंडर कितनी होती है, GR होती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ से हो गया बेटा कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वी एस्केप इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल होता है बेटा, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। दो तरह की एनर्जी होती है बेटा सैटेलाइट में। सैटेलाइट जो होती है उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा के इज इक्वल टू GmM अपॉन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2R होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा दिस इज इक्वल टू -GmM अपॉन कितना होता है, R होता है, ठीक है। द नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ जीरो पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी। जो जीरो पोटेंशियल होता है बेटा वो इन्फिनिटी पे होता है। अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल हो जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू -GmM अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बेटा। क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस अर्थ के सेंटर से R रेडियस है, तो रेडियस R की जगह पर स्मॉल R की जगह पर हम कैपिटल R यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा कि व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है बेटा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, GmM अपॉन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2R होता है बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट में हम देखें बेटा द टाइप ऑफ सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है एक, और एक होता है आपका पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है बेटा अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है, ठीक है। और ये अर्थ का जो मोशन होता है बेटा, जितना अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है उतनी ही होती है, मतलब अर्थ के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन फीचर्स ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखो यहाँ पे गिवन है। द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी सर्कुलर एंड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो टाइम पीरियड होता है बेटा 24 आवर का होता है, क्योंकि वही जो अर्थ का होता है वही होता है बेटा इसका भी। एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा, इन वेदर फॉरकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड इन द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्लड एंड ड्राउट, इन टेली कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन। पोलर सैटेलाइट क्या होता है बेटा, जो पोल के अबाउट नॉर्थ पोल साउथ पोल के अबाउट में रोटेट करता रहता है बेटा सैटेलाइट, इसको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। इसका लगभग बेटा 1.5 घंटे करीब में टाइम पीरियड होता है। 1.5 घंटे में बेटा ये पोलर सैटेलाइट जो होता है एक चक्कर लगा लेता है पोल के अबाउट में। इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है बेटा, स्पाई करने के लिए, लोकल फिनोमेना जानने के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, पोलर सैटेलाइट का। उसके बाद है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल होता है बेटा जहाँ पे नॉर्मल द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड ए फ्री फॉल। When a body falls freely downward the earth, its velocity continuously increasing. The acceleration developed in it is a motion is called the acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू हमने पहले डिस्कस कर दी, जैसे जी इसका टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट है बेटा वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है, भारहीनता जिसको हम बोलते हैं बेटा। अगर रिएक्शन फोर्स 0 हो गया, द फिनोमिनन ऑफ वेटलेसनेस अकर्स व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ सपोर्ट ऑन योर बॉडी। मतलब रिएक्शन फोर्स जो होता है बेटा, जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमारे कारण जो वेट लगता है सरफेस पे उतना ही फोर्स जो सरफेस है बेटा वो भी हमारे ऊपर लगाता है, दिस इज नॉन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा तो उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले अच्छा फ्लूड भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड दोनों है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह से फोर्स जो लगता है बेटा इसको हम थ्रस्ट यहाँ पे कहते हैं। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो थ्रस्ट लगता है बेटा पर यूनिट एरिया दिस इज नोन एज ए प्रेशर। जो प्रेशर होता है बेटा उसका ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल होता है। वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा। देयर फॉर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर अफेक्टिंग पास्कल्स या प्रेशर्स, द एरिया ऑफ द सर्फेस इज कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
एंड दूसरा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट, तो यही दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या होता है बेटा सभी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन कितना होता है वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑन द अदर हैंड कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। द फार्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड टू होता है बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। प्रेशर इन ए लिक्विड, अगर कोई लिक्विड है बेटा, कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर कोई कंटेनर है इसमें लिक्विड है बेटा एच हाइट तक, अगर एच हाइट तक लिक्विड है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एच रो इनटू कितना होता है बेटा जी होता है। सो प्रेशर जो होता है बॉटम पे वो कितना होता है एच रो इनटू जी होता है। नेक्स्ट इज द बांसी फोर्स, व्हाट डू मीन बाय बांसी फोर्स। बच्चों सभी को पता है कि अगर कोई बॉडी को अगर किसी लिक्विड में आप डालते हैं बेटा तो वो क्या करता है वाटर को डिस्प्लेस करता है। जो वाटर जितना वाटर डिस्प्लेस करता है बेटा उसका जो वेट होता है वही बॉडी पे आपको बांसी फोर्स के रूप में अपर डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। बर्न फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इट एक्सप्रेशन ऑन द इट एक्सपीरियंसेज ए अपर फोर्स, दिस अपर फोर्स इज कॉल्ड द बर्न फोर्स। दस द अपर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड द बर्न फोर्स, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है इसके बाद, अब देखो बेटा जब हम आप किसी बॉडी को जब किसी लिक्विड में हम फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है, तो द अपवर्ड बाइंड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड वेदर पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेज एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा रो जी इंटू वी वेयर एफ वी इज द बॉइंट फोर्स, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द सबमर्ज्ड वॉल्यूम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ नेक्स्ट में सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को हम टी से अगर डिनोट करते हैं बेटा तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कितना होता है लेंथ। अगर एसआई यूनिट की बात करें बेटा सो दिस इज न्यूटन मीटर और जूल पर मीटर, मीटर स्क्वायर जूल पर आप अगर जूल के टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सर्फेस टेंशन, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, द हेयर ऑफ द हेयर ऑफ ए शेविंग ब्रश क्लिंग टूगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर व्हाइल स्प्रेड ऑन कोल्ड वाटर बट रिमेन्स एज ए ड्रॉप ऑन हॉट वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्फेस टेंशन, कोहेसिव फोर्सेज, इम्प्योरिटीज, इफेक्टिव इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब इसके इफेक्ट है। इसके बाद है बेटा सरफेस एनर्जी, व्हाट डू मीन बाय सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, दो चीज़ें यहाँ पे और है बेटा, ठीक है, एक होता है कैपिलरी राइज, एक होता है कैपिलरी फॉल, ठीक है। तो जो कैपिलरी होता है बेटा बहुत पतली सी एक वायर होती है, ठीक है, वायर नहीं पाइप होती है, पतली सी पाइप होती है जिसको किसी लिक्विड में अगर आप ड्रॉप करते हो बेटा तो उस जो कैपिलरी है उसे वाटर जो होता है बेटा राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नाउ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है बेटा, जैसे फ्लो ऑफ लिक्विड में दो तरह के फ्लो होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, दूसरा एक स्ट्रीमलाइन हो गया बेटा, एक हो गया टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग ए पॉइंट मूविंग अलोंग द सेम पाथ एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन इट्स प्रीडेसेसर्स देन द फ्लो इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिनार फ्लो, इसको हम लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है बेटा, जहाँ पर मिक्स होकर के फ्लो हो रहा है, ठीक है। When the fluid at a point in the liquid changes with time, the flow is called unsteady flow or turbulent flow. Bernoulli's theorem क्या होता है बेटा, Bernoulli's theorem ये कहता है कि तीन तरह की जो लिक्विड होती है बेटा उसमें तीन तरह की एनर्जी होती है,
प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीनों जो एनर्जी होती है बेटा, हर एक पॉइंट पे जो होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है बेटा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी जो होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर एक जगह पे ये सेम होता है बेटा। इसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फ्रिक्शन अफर टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। अगर दो लिक्विड लेयर्स हैं बेटा, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दिस इज नोन एज ए विस्कोसिटी, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है बेटा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज एक्सेप्ट वाटर कुछ विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद प्रेशर। उसके बाद होता है बेटा स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है, देखो व्हेन ए सॉलिड मूव्स थ्रू ए विस्कस मीडियम, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ए विस्कस फोर्स डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट ऑफ स्टोक्स लॉ, इट इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद द हेल्प ऑफ मिल्टन्स एक्सपेरिमेंट। इट अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, ये सब इसके क्या है बेटा, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट में देखें बेटा, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, देखो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ये सारा बेटा आप लोग जानते हैं। जैसे इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। पर इफ द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कम्प्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक होता है बेटा जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को किसी भी तरीके से वो रिगेन, मतलब कि थोड़ा सा भी बेटा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करता, उसको परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिसिटी बोलते हैं बेटा कि अगर आपने फोर्स लगाया, बॉडी एक बार डिफॉर्म हो गया तो डिफॉर्म ही रहेगा बेटा, अपने पोजीशन पर अब नहीं आएगा। इसके बाद है बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है बेटा रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोल लीजिए इसको, या व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देयर इज ए चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉट स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन कहते हैं बेटा। स्ट्रेस कहते हैं कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बेटा तो बॉडी क्या होता है, इलोंगेट होने की कोशिश कर, इलोंगेट भी होगा और साथ साथ में उसकी जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वो आपस में पास आना चाहता है बेटा, उसको आप दूर कर रहे हैं लेकिन वो पास आना चाहता है, तो वो भी एक फोर्स लगाता है बेटा, वो रजिस्ट करता है इस मोशन, इस फोर्स को। तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग परिनेट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज कल टू रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्या होता है बेटा, एरिया। तो सिंपल इसको हम अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी लिख लेते हैं बेटा। और स्ट्रेन इज कल टू होता है चेंज इन, स्ट्रेन इज कल टू होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल। स्ट्रेन जो होता है बेटा चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल क्या होता है बेटा, कन्फिग्रेशन होता है। इसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है। ठीक है, और जब स्ट्रेस, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लाएंगे बेटा, तो ई इंटू स्ट्रेन आ जाएगा बेटा। ई इज नोन एज ए इलास्टिसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहते हैं। तीन तरह के इलास्टिसिटी होते हैं बेटा, एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तीसरा होता है बेटा यंग्स, तीसरा यहाँ पे गिवन नहीं है, ये होता है शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है बेटा, यहाँ पे नहीं गिवन है तो याद रखना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस अप इलास्टिसिटी इज नोन एज ए कंप्रेसिबिलिटी, जिसको वन अपन केस हम डिनोट करते हैं। ब्रिटल डक्टाइल क्या होता है बेटा, ब्रिटल होता है जो जल्दी से टूट जाता है, खट से टूट जाएगा, जैसे चौक तुरंत आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा रहे हैं आप अचानक से टूट जाएगा बेटा, तो ब्रिटल हो गया। डक्टाइल क्या होता है बेटा, जिसको आप बार 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 कोशिश कर रहे हैं, जैसे कॉपर का ये अल्यूमिनियम का कोई वायर है, उसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, एक बार खट से टूटता है, नहीं, उसको बार 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 उसको फोर्स लगाना पड़ता है तब जा कर के कहीं ये होता है बेटा, टूटता है। तो उस तरह का मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे बेटा यहाँ पे। ठीक है, और ये सारा याद रखेंगे, सारा आपने पढ़ रखा है बेटा 11th में, सारा हमने पढ़ा रखा है 11th में। ठीक है,
इसके ऊपर अब मेन हमारा फोकस है बेटा कि एनडीए में जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे हम करा दें आपको।